अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आईसीसी टीम्स ऑफ द ईयर की हमने बात की प्रीवियस वीडियो में, लेकिन कौन से प्लेयर शामिल हैं इस हवाले से हम बात नहीं कर सके उस वीडियो में। सो इस हवाले से अभी बात कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023। तो उस्मान ख्वाजा इज ऑन द टॉप। इसके बाद डैम्यू थिरुनरत्ने है कि उनका नाम शामिल किया गया है। देन केन विलियमसन, जोए रूट, ट्रेविस हेड, रविंद्र जडेजा, एलेक्स कैरी को विकेट कीपर बनाया गया है, पैट कमिंस को कैप्टन बनाया गया है, एंड रवि अश्विन है उसमें, मिचेल स्टार्क है, स्टुअर्ट ब्रॉड है। यानी टेस्ट टीम की अगर आप देखें तो उसमें ऑस्ट्रेलियंस की डोमिनेंस नज़र आती है, एंड दो इंडियंस भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो ओडीआई टीम है उसमें रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया है, उसका शुभमन गिल हैं, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेल मिचेल, हेनरिक क्लासन एंड मार्को जेंसन, एडम संपा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव एंड मोहम्मद शामी। तो इसमें भी अगर आप देखें तो आपको इंडिया की खैर डोमिनेंस नज़र आती है, एंड ऑब्वियसली ये हमारे साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर हैं क्लासन एंड मार्को जेंसन भी साउथ अफ्रीका के हैं, एंड ट्रेविस हेड और एडम संपा ऑस्ट्रेलिया की टीम की है। बट पैट कमिंस नहीं है इसमें, जो ये थोड़ा सा खैर मुझे शॉकिंग लग रहा है। पैट कमिंस को होना चाहिए, जिस तरह कैप्टनसी भाई फाइनल में की है ना, माइंड ब्लोइंग, लिटरली माइंड ब्लोइंग। सो आई थिंक पैट कमिंस को होना चाहिए था। और खैर इसके अलावा T20 टीम की अगर बात करें तो जयसवाल जो इंडिया के उभरते हुए टैलेंट हैं वो इधर हैं, फिर सॉल्ट हैं, निकोलस पूरन को विकेट कीपर बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है T20 टीम का, मार्क चैपमैन इज़ देयर, सिकंदर रजा, एल्पेश रामजानी, अच्छा ये पता नहीं कौन से मुल्क से हैं, आई डोंट नो, और मार्क एडेर, रवि बिश्नोई और रिचर्ड गरावा एंड अर्शदीप सिंह। खैर ये इसमें बहुत ज़्यादा जो एसोसिएट टीम है शायद उनके भी प्लेयर्स शामिल हैं, क्योंकि मैंने बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना है। खैर T20 जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसने ज़्यादा खेली भी नहीं है 2023 के साल में, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप का साल था। पाकिस्तान ने तो खैर आई थिंक जस्ट 4-5 ही कुछ खेले थे, तो मतलब कोई पाकिस्तानी तो खैर है ही नहीं, बट है कि और भी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ी दूसरी टीमों के हैं, यानी एसोसिएशन के जो टीम्स हैं उनके हैं। सो खैर ऑब्वियसली एक सैड कर देने वाली बात तो है ही कि कोई पाकिस्तानी नहीं है, बट चलो खैर है जिसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। हम हैं कि इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे सके, वी एग्री कि भाई 2023 में हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, एंड लास्ट ईयर भी बाबर आजम वॉज द पर्सन जिनको 5-5 एहसास दिए गए थे, दो मतलब ICC ओडीआई टीम का कैप्टन बनाया गया था, और ICC टेस्ट टीम में उनका नाम था, ओडीआई टीम में उनका नाम था, सरगार फिर सुपर ट्रॉफी उनके नाम थी, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको दिया गया था, तो 5 एहसास माशाल्लाह बाबर आजम के नाम थे। इससे पिछले साल भी बाबर रिजवान शाहीन को नवाजा गया था, बाबर आजम को भी नाम भी दो एहसास थे। तो इस साल है कि थोड़ा सा सुना सुना हो गया, बट चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल है कि पाकिस्तानी भी इसमें शामिल होंगे मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह, और है कि मज़ीद है कि जो नया टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है होपफुली कि वो भी इन कैटेगरीज में शामिल हो या इन टीम्स में शामिल हो। और खैर इसके अलावा जो इंग्लैंड की टीम है वो पहुँच चुकी है इंडिया, एंड ट्रेनिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है, एंड जिमी एंडरसन बहुत ज़्यादा खैर हेक्टिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑल तो ही इज़ माशाल्लाह 41, बट है कि क्या फिटनेस है बंदे की एंड क्या ही कोई डेडिकेशन है टूवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट, एंड टेस्ट क्रिकेट के टूवर्ड्स इतनी ज़्यादा डेडिकेशन एक फास्ट बॉलर की ओबियसली मुश्किल है। खैर इतने ज़्यादा एशिया में उनके रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, तो देखना पड़ेगा। 25 जनवरी से बाद हुए स्टार्ट होने वाला है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के माबेन जो टेस्ट मैच है, और तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या कर सकते हैं जिमी एंडरसन, क्या है कि अपनी टीम को जिता सकते हैं इंडियन सॉइल, जो कि अभी तो खैर मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। बट और खैर जो कंडीशंस भी होंगी या जो ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे, टर्निंग ट्रैक्स होंगे, वी ऑल नो दैट, तो आई डोंट थिंक जिमी एंडरसन कुछ इतना ज़्यादा है कि इफेक्टिव हो सकेंगे, बट या हो सकता है नए बॉल से थोड़ा सा इफेक्टिव हों, सो यू नेवर नो, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली उनके पास है, बट जो एशिया में उनके रिकॉर्ड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और खैर इसके अलावा जो प्रेजिडेंट ट्रॉफी हमारी हो रही है उसके टॉप परफॉर्मर्स के बारे से बात कर लेते हैं। सऊद शकील आर मिडल ऑर्डर बैट्समैन इज़ देयर, उन्होंने 102 रन स्कोर किए 154 बॉल्स पे, एंड साद खान ने 91 की बारी खेली, मोहम्मद हुरैरा
ने 85 रन की बारी खेली है, उमैर बिन यूसुफ ने 82 रन की बारी खेली है। तो आज के टॉप परफॉर्मेंस यही थे। बॉलिंग में अगर बात करें तो वसीम अकरम मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये वही वसीम अकरम है जिसके बारे से हमने बात की थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी। खैर दुबई में खैर कोई वो लीग वगैरह खेल रहे थे, बहुत अच्छी उनकी पेस नहीं थी खैर, लेकिन सीम एंड स्विंग अच्छी थी। तो मैंने तो खैर नहीं देखा, वसीम अकरम जूनियर उन्हीं को कहा जाता है ODI, मतलब जो डोमेस्टिक के जो वसीम अकरम हैं। इसके अलावा मैंने तो कोई है कि वसीम अकरम नहीं देखे, हो सकता है खैर अलग भी हों, बट मुझे लगता है शायद वही होंगे। तो खैर उन्होंने 4 for 50 उनके फिगर्स थे 21.4 ओवर्स में। एंड है कि और भी खैर जो मीर हमज़ा साहब हैं हमारे, उनके भी अच्छे फिगर्स थे 4 for 53। तो आज के लिए खैर यही टॉप परफॉर्मेंस थे प्रेसिडेंट ट्रॉफी के। और भी खैर जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे प्रेसिडेंट ट्रॉफी के, उन हवाले से हम बात करेंगे। नेशनल वुमेन T20 का भी हो रहा था, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो, जो खैर मैंने पहले जिमी एंडरसन के हवाले से हमने बात की, और भी जो ICC मेंस टेस्ट और या T20 टीम के हवाले से हमने बात की, सो डू कॉमेंट ब्लो। एंड अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका हो, सो यू कैन कॉमेंट डाउन ब्लो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।